मेघालय हाई कोर्ट ने 10 दिसंबर को अपने फैसले में केंद्र सरकार से अपील की है कि भारत को इस्लामिक देश बनने से बचाया जाना चाहिए और साथ में ये भी कहा है कि आज़ादी के समय जिस तरह पाकिस्तान इस्लामिक देश बना उसी तरह भारत को भी हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए था। जस्टिस सुदीप रंजन सेन ने अमन राणा नामक एक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की। आइए जानते हैं जस्टिस सेन ने किन किन मुद्दों पर चिंता व्यक्त की। ये एक निर्विवाद तथ्य है कि विभाजन के समय लाखों सिखों और हिंदुओं की हत्या की गई, उनके साथ अत्याचार और बलात्कार किया गया, उन्हें अपने पूर्वजों की संपत्ति छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया और उन्हें अपने जीवन और इज्जत को बचाने के लिए भारत में प्रवेश करने के लिए मजबूर किया गया। विभाजन के समय पाकिस्तान ने खुद को एक इस्लामिक देश घोषित कर दिया और भारत जो धर्म के आधार पर विभाजित हुआ था उसे हिंदू देश घोषित किया जाना चाहिए था, लेकिन वो एक धर्म निरपेक्ष देश बना। भारत ने खून बहाकर आज़ादी हासिल की और सबसे ज्यादा पीड़ित हिंदू और सिख थे, जिन्हें अपने पूर्वजों की संपत्ति जन्म स्थान को आंसुओं और डर से छोड़ना पड़ा और हम इसे कभी नहीं भूलेंगे। हालांकि ये उल्लेख करना गलत नहीं होगा कि जब सिख आए तो उन्हें सरकार से पुनर्वास मिला लेकिन हिंदुओं को समान व्यवहार नहीं मिला। ये कहना सही नहीं है कि भारत ने स्वतंत्रता अहिंसा से हासिल की, बल्कि ये हिंसा के माध्यम से हासिल हुई है जिसमें लाखों की तादाद में हिंदुओं और सिखों ने अपनी जिंदगी, संपत्ति और भूमि और आजीविका का बलिदान किया। आज भी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई, पारसी, खासी, जयंती और गारो पर अत्याचार किया जाता है। उनके पास कहीं और जाने के लिए कोई जगह नहीं है और विभाजन के दौरान भारत में प्रवेश करने वाले हिंदुओं को अभी भी विदेशी माना जाता है, जो मेरी समझ में बेहद अनौपचारिक है, अवैध और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है। कानून लोगों के लिए बनाए जाते हैं, ना कि लोगों को कानूनों के लिए बनाया जाता है। और ये भी एक तथ्य है कि कानून तभी प्रभावित हो सकते हैं जब वो इतिहास और जमीनी वास्तविकता को ध्यान में रखें। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि किसी को भारत को एक और इस्लामिक देश बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, अन्यथा ये भारत और दुनिया के लिए कयामत का दिन होगा। मुझे पूरा भरोसा है कि श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के अधीन सरकार इस विषय की गंभीरता को समझेगी और उपयुक्त अनुरोध पर कदम उठाएगी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर इसका समर्थन करेंगे। मैं प्रधानमंत्री, कानून मंत्री और सांसदों से अपील करता हूं कि वो कानून पास करें जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई, पारसी, खासी, जयंती और गारो समुदाय के लोगों को बिना प्रमाण पत्र के देश की नागरिकता दी जाए। मैं उन मुस्लिम भाई और बहनों के खिलाफ नहीं हूं जो कई पीढ़ियों से भारत में रह रहे हैं, जो देश के कानून का पालन करते हैं, वो शांतिपूर्वक यहां रह सकते हैं। कोर्ट सरकार से आशा करती है कि वो इस अदालत के फैसले पर गौर करेगी और देश और उसके नागरिकों की रक्षा करेगी। पंजाब केसरी के लिए मनीष शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।